हुआ, मैं चालू करने के बोलूंगा तो प्लीज उनकी डॉक्यूमेंट्री चलाइए। जो खुद लिखते हैं अपनी तकदीर और बनाते हैं इतिहास है मकान, झुक जाता है आसमान भी उनके कदमों में और सजदे करता है ये जहां। जो चलते हैं अपनी ही राह पे और बनाते हैं अपने कदमों निशान, वही जिंदा रहते हैं इस दुनिया में जो जीतते हैं और छोड़ जाते हैं अपने नामों निशान। जो पलट देते हैं जिद्दी हवाओं का रुख और गुलजार करते हैं जश्न जहां, वही लीडर कहलाते हैं सिक्योर लाइफ में जो बनाते हैं अपना मुकद्दर जहां। ऐसे ही सिक्योर लाइफ के जाबांज जमा दिल हर दिल अजीज लीडर है ताराचंद वर्मा जी। राजस्थान, जहां के रण में चमके शमशेर की झनक, जहां की माटी में आज भी मर मिटने की धमक, जहां की वादियों में आज भी चिड़ियों की खनक, जहां के खून जिस्म में कुछ कर गुजरने की कसक। इसी राजस्थान के जयपुर जिले का शाहपुरा तहसील का एक छोटा सा गांव उदावाला, इसी गांव में श्रीमान प्रभुदयाल जी वर्मा अपनी धर्म पत्नी श्रीमती शांति देवी जी के साथ रहते थे। श्री प्रभु दयाल जी और श्रीमती शांति देवी जी को 4 जून 1981 में बेटा हुआ। इस नन्हे प्यारे बच्चे का नाम रखा गया तारा चंद। तारा चंद जी के आने से घर में खुशियों की बहारें छाने लगी। गुजरते खुशियों के पलों के साथ वक्त और उम्र बढ़ती गई। अब छोटे ताराचंद जी स्कूल जाने लगे। 5वीं तक पढ़ाई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उदावाला से और 8वीं तक की पढ़ाई राजकीय माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा से पूरी कर ली गई। पढ़ाई में होशियार ताराचंद जी को आगे की पढ़ाई करने के लिए मनोहरपुर भेजा गया, जहां से उन्होंने 12वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास की। घरवालों की इच्छा थी कि ताराचंद जी डॉक्टर बने। फिर क्या शुरू हुआ सफर अपनों की तमन्ना पूरी करने का। लगातार 3 रात दिन जयपुर में पीएमटी की पढ़ाई ताराचंद जी ने शुरू की। लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि ना ट्यूशन थी और ना ही किताबें, आखिर सफलता हाथ ना आई। हताश मन से ताराचंद जी घर वापस लौटे। निराशा भरी जिंदगी में आशा की एक किरण उभरी। 23 जून 1999 में कौशल्या देवी जी के साथ उनका विवाह हुआ। और अगले साल ही पुत्र कुणाल का जन्म हुआ। जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। ऐसे में फिर एक बार शिक्षा की इच्छा जागरूक हुई और वे चल पड़े शिक्षा के प्रदेश महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अमरावती शहर के शिवाजी कृषि महाविद्यालय से एग्रीकल्चर में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसी दौरान दूसरे बेटे संजू का जन्म हुआ। 2005 में बीएससी की डिग्री लिए राजस्थान लौटा है। महज 2200 रुपए हर महीने की तनख्वाह पे श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स अजमेर में फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट पर काम कर लिया। किसानों को खेती बाड़ी के बारे में समझाते और ऐसे में किस्मत ने फिर एक बार उन्हें रुलाया। उनके पिताजी श्री प्रभुदयाल जी का 12 जून 2007 में स्वर्गवास हो गया। पिताजी का सपना पूरा करना ही उनका मकसद था, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी और सफलता भी हाथ आई। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में पोस्टिंग भी हो गई।
नौकरी तो मिल गई लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ी। सन 2009 में उन्हें टिकेंद्र सिंह चौधरी मिले और उन्होंने दिखाया एक सुनहरा सपना, सिक्योर लाइफ। आसमान या तारों ने आज पल के छू ली, जिंदगी जीने की नई राह। सिक्योर लाइफ एक ऐसी नेटवर्किंग कंपनी जो भारत के किस्मत की तस्वीर बन गई है। सिक्योर लाइफ आपको जमीन से उठाकर कामयाबी और शोहरत के आसमां पर बिठा देती है। सिक्योर लाइफ आपकी ही नहीं, आपके परिवार की भी जिंदगी बदल देती है। सिक्योर लाइफ बिजनेस ज्वाइन तो कर लिया लेकिन उसे तहे दिल से अपनाया नहीं। बैंक में नौकरी होने के कारण ताराचंद जी सिर्फ शनिवार और रविवार को ही काम कर पाते, इसीलिए सफलता हाथ में आती। इसीलिए 2012 में बैंक की नौकरी छोड़कर सिक्योर लाइफ के रास्ते के राही बन गए। सिक्योर लाइफ को दिलो जान से अपना और शुरू हुआ फिर सफर कामयाबी का। रात दिन की मेहनत और सीनियर का मार्गदर्शन रंग लाने लगा, धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। फिर एक दिन उन्होंने देवेंद्र शर्मा जी का कार्यक्रम सुना। उनकी बातें सुनकर ताराचंद वर्मा जी को मानो मंत्र मिल गया। गुरु मंत्र पाते ही चल पड़े मंजिल। सीढ़ियां पार करके सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी और आज वो बने हैं डायमंड। आज उनके पास वो सब है जिसकी हसरत उनके परिवार को थी। घर वालों को उन पे नाज है क्योंकि सर पे उनके सिक्योर लाइफ का ताज है। आज वे अपने दोस्तों से कहते हैं, हो तुम में चाहत तो पत्थरों पे फूल खिलते हैं, हो तुम में हिम्मत तो रेगिस्तान में भी दरिया बहते हैं। यारो मेरे तुम न कभी हारो किस्मत से, सिक्योर लाइफ यकीनन हाथों की लकीरें बदलती है। जय हो ताराचंद वर्मा जी, विजय हो, दिग्विजय हो सिक्योर लाइफ। सूरज खुद का उगाते हैं, हौसलों के पर लगा के, वक्त के आगे जाते हैं। खुद का उगाते हैं, हौसलों के पर लगा के, वक्त से आगे जाते हैं। जो अपना मुकद्दर लिखते हैं, मंजिल खुद ही बनाते हैं। तूफानों से लड़ते हैं, साहस पहने चलते हैं। सिक्योर लाइफ के रोशन तारे, सिक्योर सबकी लाइफ करे, सबको दे सक्सेस, सक्सेस फॉरएवर।
पल आ गया है हम लोगों को जिसका लगता है कि सीटी बजानी चाहिए।